दोस्तों, केबिन क्रू की रिक्वायरमेंट आई हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तारीख को इंटरव्यू है और किस जगह पर, उस जगह का नाम, कितने टाइम पहुंचना है, कितने टाइम का इंटरव्यू है, लास्ट डेट क्या है, केबिन क्रू बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना आवश्यक है। सो गाइज, मैं हूँ तकसीम खान। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वैकेंसी है कतर एयरवेज की। केबिन क्रू में हायर कर रहे हैं, इवेंट है बेंगलोर में। अगर आप बेंगलोर में नहीं रहते हैं तब भी आप बस या ट्रेन से आप जा सकते हैं, जो आपके लिए सस्ता और अच्छा हो। इंटरव्यू की डेट है 6 जनवरी 2019। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कतर जाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, जहां इंटरव्यू है मैं आपको उस जगह का नाम बता देता हूं। दोस्तों, वहां का पता है LE Meridian बेंगलोर, सेंकी रोड, PB नंबर 174। दोस्तों, इंटरव्यू का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। दोस्तों, ऐसा नहीं कि अगर आप टाइमिंग 9 से 5 बजे है तो आप 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे जाएं। दोस्तों, आपको समय से पहले पहुंचना है क्योंकि काफ़ी लोग इंटरव्यू में आते हैं, तो ऐसे में अगर आप लेट जाओगे तो आपका नंबर लास्ट कैंडिडेट में आएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको टाइम से थोड़ा पहले पहुँचना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाओ। दोस्तों पहले ऐसा होता था कि इंटरव्यू जहां होता था वहां कोई भी जाकर इंटरव्यू दे देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके पास CV होना चाहिए, पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए और आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उसके अलावा आपके पास कोई हाई एजुकेशन की सर्टिफिकेट है तो उसकी जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अप्लाई पासपोर्ट बनने के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप उस रिसीव पेपर को भी ले जा सकते हैं। आपको अपने साथ एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त यानी फॉर्म भरते वक्त CV की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की जरूरत पड़ेगी और आपके स्कूल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इन सभी की जीरोक्स कॉपी ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। केबिन क्रू बनने के लिए हाइट 212 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हाइट 212 सेंटीमीटर होनी चाहिए केबिन क्रू बनने के लिए। ऊपर 212 सेंटीमीटर पे निशान बना होगा और आपको उसको छूना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आप अपने पंजे के बल खड़े होकर छू सकते हैं। अगर आप पंजे के बल भी खड़े होकर उस निशान को नहीं छू पाएंगे तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है, इंग्लिश बोलने और लिखने का अच्छा अनुभव होना चाहिए और आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। आपकी एज 21 साल से अगर 2 दिन भी कम हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी आप पूरे 21 साल के होने चाहिए। 21 साल से ज़्यादा हो कोई मुश्किल है, अगर 21 साल से 1 दिन भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके बॉडी, हाथ पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। दोस्तों, केबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या चीज़ें की जरूरत है, किन किन चीज़ों की जरूरत है, किस तारीख को है, कितने टाइम इंटरव्यू है, किस जगह पर है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके भी पढ़ सकते हैं। और मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। दोस्तों, लिंक में ओपन करने के बाद आपको इस जैसा पेज खुलेगा। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस तरह पेज खुलेगा। पेज पे यहां सबसे नीचे लिखा होगा एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट कर देते हैं। दोस्तों, एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हम सबसे नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ऊपर देख लेते हैं, ये फ्लाइट नंबर, केबिन क्रू रिक्वायरमेंट, इवेंट बेंगलोर, 6 जनवरी 2019, कतर एयरवेज। दोस्तों, केबिन क्रू जो फंक्शन देख लेते हैं, केबिन क्रू फुल टाइम, लास्ट डेट अप्लीकेशन 6 जनवरी 2019 है। दोस्तों, अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 जनवरी 2019 है। और साथ में इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाते हैं, यहाँ इस पेज पे, यानी इस लिंक पे आप ओपन करेंगे, इसमें इस पेज पे आएंगे, इस पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए और आपकी हाइट 212 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने का, बोलने का अच्छा अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, टाइमिंग है ले मेरिडिन
बेंगलोर, 28 सैंकी रोड, पीबी नंबर 174, बेंगलोर, इंडिया। दोस्तों इसकी मैंने पूरी जानकारी, किन चीज़ों की जरूरत है, किस तारीख को है, किस जगह पे है, किस टाइम है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप, और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लिंक पर जाएंगे और लिंक पर सीधे नीचे स्क्रोल करते हुए आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। दोस्तों अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी क्लिक करेंगे तो यहाँ इतने सारी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद सारी अगर इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ ली तो यहाँ एक्सेप्ट है, हम एक्सेप्ट क्लिक करेंगे। दोस्तों एक्सेप्ट के क्लिक करने के बाद हमारा एक नया पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ लॉग इन हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद नया पेज खुलने के बाद हम दोबारा हमें एक्सेप्ट होना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड चूज करना पड़ेगा, हमें एक अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप यहां रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करने का फॉर्म दिखाई देगा, आप वहां से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।